हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो CSIR NET 2011 में पूछा गया था। जून क्वेश्चन लीनियर एलजेब्रा से जुड़ा वो प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहती है, लेट W बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3। डिफाइन जो T होगा वो मैपिंग है W से W में जा रहा है, बाई TPX इज इक्वल्स टू P डैश एक्स, वेयर पी डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ पी, द मैट्रिक्स ऑफ टी इन द बेसिस 1x x2 x³। क्योंकि पॉलीनोमियल किसकी बात कर रहे हैं, 3 के लिए, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है पॉलीनोमियल के लिए। कंसिडर एज कॉलम वैक्टर इज गिवन बाई, तो इसके लिए कॉलम वैक्टर क्या होगा, ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन पर हमें बात करनी है। ओके तो सबसे पहले आ जाते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा मैपिंग है टी वो डब्ल्यू से डब्ल्यू में जा रहा है। किस प्रकार से डिफाइन है वो, जो डिफाइन है टी पी एक्स किसके बराबर है, पी डच एक्स, और पी क्या, पी डच क्या है, पी की डेरिवेटिव है, और पी में जो जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो है 1x x²x³। तो देखिए 1 का हम जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी 1, तो 1 का डेरिवेटिव 0। अब इस 0 को इस स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, यानी कि 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 0 × x² प्लस 0 × x³, ये इसके कोफिशिएंट है। जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। फिर आप जब बनाएंगे टी एक्स यानी x का डेरिवेटिव 1, तो अब 1 को लिखना है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, तो यह जगह 1 × 1 और बाकी तो है ही नहीं, सारे 0 हो जाएंगे, 0 × x 0 × x² 0 × x³। अब ये जो कोफिशियंट है वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसके सेकंड कॉलम में आएगा। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 2x। अब इसको भी बनाइए, ये आ जाएगा 0 × 1 2 × x प्लस 0 × x² 0 × x³, ये मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम में आएंगे ये कोफिशियंट। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएटर 3x², तो इसको भी बनाएंगे जब 0 × 1 0 × x प्लस 3 × x² प्लस 0 × x³, तो ये मैट्रिक्स के चौथी कॉलम में आ जाएंगे। तो ये सारे कोफिशिएंट मैंने रख दिए हैं, तो जो आपका आंसर होगा रिक्वायर्ड वो ऑप्शन 3 होगा, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। Thank you.